A key kitchen staple, the onion, over the past few weeks has been reason enough for Indians to register their protest by either taking a symbolic loan in the name of onions, sending a courier comprising of onions, or sending a Rakhi to PM Modi urging immediate attention towards the issue. Political parties too are using the issue to gain political scores by targeting the government. So what keeps Indians teary-eyed? An NNIS special report. Onion production in India is carried out mostly by small and marginal farmers. It was hence fiscally incapable of manipulating market supplies. The crop is grown thrice a year, and out of these three, the Rabi crop harvested between April and June accounts for 60-65% of the annual production and sustains consumers till October-November. Production of the crop has grown steeply in the last 8 years. It has more than doubled in this period and is projected at 19.36 million tons in 2014-15. Fresh reports suggest onion prices, which were being sold at Rs 50 a kg in the country's main wholesale market of Lasalgaon in Maharashtra and Rs 80 a kg in many cities, have started showing signs of abating. It is learnt through reliable sources that this is due to pressure exerted by centre on traders rather than the demand-supply situation. आज़ादपुर मंडी में करीबन 10 रुपए किलो का भाव पिछले 3-4 दिन में कम हुआ है और जो प्याज 60 रुपए बिक रहे थे वो आज 50 रुपए बिक रहे हैं। यहाँ पर बाज़ार जो है वो 35 रुपए से लेके और 60 रुपए तक हो गए थे, अब वो 25 से लेके 50 तक के हैं। पिछली बार भी जो मैंने कहा था कि आज़ादपुर मंडी में स्टॉक की कमी नहीं है, उसमें नई जो प्याज है वो भी अब आ रही है, तो अभी कुल मिलाकर के जो संभावना दिख रही है कि आगामी दिनों में जल्द ही प्याज के रेट थोक व्यापार में भी नीचे जाएंगे। ये पहले ही पता था 4-5 महीने पहले से ही कि फसल देश में बहुत कम हुई है, क्योंकि जगह जगह ओला गिरा, बरसात हुई जब नहीं होनी चाहिए थी, प्याज पैदा हुआ उस टाइम बरसात और ओला गिरा, तो तभी सरकार को पता लग गया था और सब लोगों को, व्यापारियों को, कि देश में प्याज कम है। उस वक्त सरकार ने अगर कोई निर्णय ऐसा लिया होता और प्याज के बारे में इंपोर्ट करने की कोई पॉलिसी बनाई होती तो ये बाज़ार जो हैं इतने नहीं बढ़ते, और वो ऐसी कोई पॉलिसी बनी नहीं, इसके कारण मैं समझता हूँ किसी ने सीरियसली लिया नहीं और ये रेट पहले ही पता था बढ़ेंगे। आज ये दाल और प्याज के लिए हमने प्रदर्शन किया, 100 रुपये किलो प्याज है और 150 रुपये किलो दाल। ये गरीबों को राहत देने के लिए हम बांटने आए, हम जब बांटने गए तो लूट लिया लोगों ने, यहाँ गरीबों ने, क्योंकि प्याज मिल नहीं रहा है, दाल मिल नहीं रही है। और अच्छे दिन आएंगे ये कहा था नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने, क्या यही अच्छे दिन है कि प्याज लूटना पड़ रही है? क्या ले रहे? बहुत फर्क है जी, 1/4 का फर्क है पूरा। जो 1 किलो ले जाता था वो 1/2 किलो पे आ गया, जो 1 किलो पहिया पे आ जाता है तो वो कम ले जाता है। तो मांग बिल्कुल कम हो गई है? हाँ, मांग भी कम है, महंगाई के चक्कर में महंगाई। अभी कितना आप कितना दाम बेच रहे हैं? अभी कितना दाम बिक रहा है बाजार में? 50-60 और दो मोटा वाला 70 रुपये। विदेशों से जो प्याज आयात करते हैं बड़े व्यापारी, उनसे भी हम संपर्क करेंगे जिससे कि वहाँ से सीधे हम मंडी में प्याज आ सके। हमने यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे आज बात की है, उनका कहना है और उनका अनुमान है कि अगर हम लोग विदेशों से अगर प्याज आयात करते हैं तो मंडी में आने लगती है तो वो करीब 35-38 रुपए के आसपास पड़ेगा, तो उससे मंडी का रेट काफ़ी डाउन होगा। दिल्ली की सरकार ने प्याज के विषय में फोरकास्टिंग करके जनता को राहत देने के लिए जो सही कदम उचित स्तर पर उठाने चाहिए थे वो समय पर ना उठाने का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। Powered by NNIS.